चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमीरपुर से हमें मिल रही है। खाद को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज सरीला चौकी इंचार्ज भी घायल हुए। लाठीचार्ज के दौरान खाद सहकारी समिति में पुलिस से विवाद हुआ। खाद लेने सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे थे। खाद नहीं मिलने पर किसान हंगामा कर रहे थे। घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हमीरपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। खाद को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज सरीला चौकी इंचार्ज भी लाठीचार्ज में घायल हो गए हैं। खाद सहकारी समिति में पुलिस से विवाद हुआ। खाद लेने सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे थे। खाद नहीं मिलने पर किसान हंगामा कर रहे थे। घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। हमीरपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। खाद को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और इस लाठीचार्ज के दौरान सरीला चौकी इंचार्ज भी घायल हो गए। खाद सहकारी समिति में पुलिस से वाद हो गया, जिसके चलते किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन इस लाठीचार्ज के दौरान सरीला चौकी इंचार्ज घायल हो गए। खाद नहीं मिलने पर किसान हंगामा कर रहे थे। घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हमीरपुर से एक खबर। खाद को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। वाद विवाद की स्थिति बनी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंतजार हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंतजार हुसैन, आपसे जानना चाहेंगे जो इस प्रकार से खाद को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, आखिर क्या वाद विवाद हुआ जिसके चलते पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा? किस प्रकार की स्थिति वहां पर बनी? किसानों का आप क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता दूं, पूरा मामला हमीरपुर के सरीला तहसील का है, जहां खाद को लेके किसान पीड़ित थे और खाद की समस्या को लेके किसान काफी आक्रोशित थे, जिसको लेके एक चौकी इंचार्ज गौरव चौबे वहां पे मौजूद थे। पूरी व्यवस्था के लिए उनको वहां पे ड्यूटी पे तैनात किया गया था और साथ ही कई पुलिस वाले भी साथ में मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर किसानों के साथ में एक गैंगस्टर अपराधी किस्म का व्यक्ति था, जिन्होंने एकदम से अचानक गौरव चौबे के ऊपर प्रहार कर दिया, जिसको जानकारी मिली है कि एक लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे एसआई गौरव चौबे के काफी ज्यादा चोट आ गई, सर में कई डाके आ गए, जिससे कई पुलिसकर्मी भी साथ में उनके साथ चोटिल हैं। जी बिल्कुल, कई पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए हैं, जिस प्रकार से अस्पताल में हालांकि पुलिसकर्मी को भर्ती करा दी गई, लेकिन अब इस मामले को लेकर क्या जो अन्य पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? जी, जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस तरह से अपराधी किसी व्यक्ति वहां का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा था, उसको लेकर उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे कार्रवाई सामान्य रूप से कार का वितरण चल रहा है। जी शुक्रिया इंतजार इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खाद को लेकर किसान और पुलिस जो अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उनके बीच पहले वाद विवाद की स्थिति बनी है, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन इस लाठीचार्ज के दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।